हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम सेट्स 47। और अभी हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया है, चलो मैं पहले रीड कर लेती हूँ। इफ़ वन शर्ट नीड्स 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कंप्लीट कपड़ा और 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर। अब 50 देखो, 1 मीटर मतलब कितना होता है, क्लियर थोड़ा कर देती हूँ कॉन्सेप्ट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 100 का ये हाफ है 50, मतलब ये हो गया हाफ मीटर। ऐसे भी हाफ मीटर हम लिख सकते हैं या 50 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑफ क्लोथ। हाउ मच क्लोथ डू वी नीड, हमें कितना क्लोथ लगेगा फॉर 5 शर्ट्स। अगर हमें 5 शर्ट्स बनाने हैं तो एक शर्ट के लिए 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लग रहा है, 2 मीटर एंड हाफ मतलब 50 सेंटीमीटर क्लोथ लग रहा है। तो 5 का पूछा हुआ है। तो जैसे आप लोग एक पेंसिल लेते हो, सपोज़ एक पेंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखो 5 रुपये की है, तो आप लोगों को 2 लेनी है तो क्या करोगे, 5 2 10 करोगे, 3 लेनी है तो 5 3 15 करोगे। तो ऐसे ही एक शर्ट के लिए 250 सेंटीमीटर है ये, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और 250 सेंटीमीटर यहाँ पर मतलब 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लग रहा है कपड़ा। तो 5 शर्ट के लिए कितना लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हमें कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा उसे लिख देते हैं। वन शर्ट नीड 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लोथ। सो यहाँ पे आप देयरफॉर या सो जैसे बोलते हैं स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग 5 शर्ट्स नीडेड हाउ मच क्लोथ। तो अभी हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, वी विल यूज मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर कॉलम बना दिया है। 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये है क्लोथ रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 5 डायरेक्टली। 5 क्यों डायरेक्टली लिया है, ये मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, ये डायरेक्टली 5 है। ये क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स। ओके, ये नंबर ऑफ शर्ट्स है, तो इसके लिए इसे डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे। तो 5 0 0 0, 5 5 25, सो यहाँ पर आप 5 लिखोगे और 2 कैरी करोगे, 5 2 10 11 12। ऐसे देखने के बाद पता चलेगा 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 शर्ट्स। सो 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड लिखो या नीडेड लिखो फॉर 5 शर्ट्स या सच 5 शर्ट्स। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9।